अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों ने तो ऑनियन रिंग्स के बारे में सुना होगा और खाए भी होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी पोटैटो रिंग्स बहुत ही इजी तरीके से। आप लोग अभी ही उठ के किचन में जाएंगे और ये बनाएंगे। तो जी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटैटो रिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने आलू ले लेने हैं, उनको आप लोगों ने बॉईल करके मैश कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 1 कप सूजी लेनी है। सूजी को आप लोगों ने 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 1 टेबलस्पून नमक लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची ले लेनी है कुटी हुई। उसके बाद आप लोगों ने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लेना है। उसके बाद आप लोगों ने 1 टेबलस्पून ही हरी मिर्ची चॉप करके ले लेनी है। उसके बाद 4 टेबलस्पून आप लोगों ने हरा धनिया बारीक चॉप करके रख लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप लोगों ने एक पैन में 3 टेबलस्पून मक्खन लेना है, उसको आप लोगों ने मेल्ट कर लेना है। मेल्ट करने के बाद आप लोगों ने इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देना है और इसको 2 मिनट के लिए आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। लहसुन फ्राई करने के बाद आप लोगों ने इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्ची डाल देनी है और इसको आप लोगों ने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसमें पानी डाल देना है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बॉईल कर लूंगी। जब तक मैं इसे बॉईल कर रही हूँ, आप लोग ऐसा कीजिए कि नीचे एक लाइक का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए। तो जी पानी बॉईल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर सूजी डाल दूंगी, थोड़ा सा मजीद मैं इसको बॉईल होने देती हूँ और सूजी डाल दूंगी। सूजी डालने के बाद आप लोगों ने इसको फटाफट से मिक्स करना है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपकी जो सूजी है वो गट्ठी सी हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा अजीब सी लगेगी। अब आप लोगों ने इसको कंटिन्यूसली मिक्स कर लेना है और फिर बस आप लोगों ने इसमें मैश किए हुए जो आलू रखे हुए थे आप लोगों ने इसमें वो डाल देने हैं और बस आप लोगों ने मिक्स कर लेना है और आपका बैटर तैयार हो चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे कॉर्नफ्लोर तो मैंने डाला ही नहीं है। कॉर्नफ्लोर आप लोगों ने इस बैटर को ठंडा करके इसमें डालना है। आप लोगों ने इसको ट्रे में निकालना है, थोड़ा सा ठंडा कीजिएगा, फिर आप लोगों ने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। ये जी मैंने इसे एक ट्रे में निकाल दिया। थोड़ा सा आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है, जिस तरह आटा गूंथते हैं आप लोगों ने इस तरह इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और फिर आप लोगों ने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। अच्छी तरह से मिक्सचर मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल देनी है और थोड़ा सा आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। अब जी एंड पे आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है। जब तक मैं इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जब भी मैं एक प्यारी सी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग उसे सबसे पहले देख सकें। तो जी सारा कॉर्नफ्लोर मिक्स हो चुका है। अब इसकी बॉल्स बनाती हूँ और बस इसको काउंटर पर रख के तो बेलती हूँ। जहाँ भी आप लोग इसे बेल रहे हैं वहाँ पे नीचे आप लोगों ने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर लेना है ताकि जो हमारा बैटर है वो नीचे चिपके ना। अब आप लोग चाहें तो एक कुकी कटर ले सकते हैं या फिर आपके पास इस तरह का ग्लास है तो आप वो ले लीजिए। आप लोगों ने इस तरह इसको काट लेना है। मैं सारे इस तरह काटूंगी और फिर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसके सेंटर में भी एक छोटा सा कटर लेके आप लोगों ने इसे काट लेना है। अगर आपके पास नहीं है ये कटर तो ढक्कन होता है बॉटल्स का, आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन सबको काट लूंगी और बस इनको फ्राई करूंगी। लेकिन फ्राई करना इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका आप लोगों ने टेम्परेचर का हाथ से ध्यान रखना है। थोड़े टाइम में ही फ्राई हो जाएंगे लेकिन बस टेम्परेचर का आप लोगों ने हाथ से ध्यान रखना है। आप लोगों ने क्या करना है कि पहले इन सबको काट के रख लेना है और आप लोगों ने फिर इसको गठाई फ्राई करना है। आप लोगों ने एक कढ़ाई में ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तब आप लोगों ने ये बना के उसमें डालते जाना है और फिर आप लोगों ने 1 मिनट के बाद आंच स्लो कर देनी है। बस 2 मिनट लगेंगे और ये आपके तैयार हैं। बस अब मैंने डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। कुछ मैंने बड़े साइज़ के बनाए हैं रिंग्स और कुछ मैंने छोटे साइज़ के बनाए हैं क्योंकि दोनों साइज़ अच्छे लगते हैं। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बना लीजिए, अगर छोटे बनाना चाहते हैं तो छोटे बना लीजिए। तो जी ये इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी और स्पेशल सॉस के साथ मैंने इसको सर्व किया है। स्पेशल सॉस भी मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा, टी टाइम में लीजिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा लेकिन साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बस अब मैं इसको खाती हूँ। आप लोग भी ऐसा कीजिए कि बनाइए, खाइए, मजे कीजिए और मजे करवाइए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़, पी अमान अल्लाह।